हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप शर्मा आपको अपने चैनल शेखावटी गार्डनिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे कि कोलियस को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। कोलियस को कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है और कोलियस समर्स का पेरिनियल प्लांट है। विंटर्स में भी ये ग्रो करता है, समर्स में ये थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, थोड़ी सी इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और ये पूरा साल चलता रहता है। अब हम इसकी कटिंग लेके इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो जो भी कटिंग करने के लिए जो भी प्रूनर या फिर सीजर जो भी ले रहे हो उसे सैनिटाइज कर लें। आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र सभी के घरों में है तो उससे आप इसको प्रूनर को आप सैनिटाइज कर लें, जिससे एक प्लांट का फंगस दूसरे प्लांट में नहीं लगे। आप एक कोलियस के प्लांट से हजारों पौधे बना सकते हो। कटिंग के ये नीचे जो पत्ते हैं उनको आप हटा दें। एक या दो पत्ते रहने दे कटिंग्स पे, जिससे क्या होगा इसके इस प्लांट पे रूट्स तो नहीं है, तो रूट्स नहीं होने पर ये कैसे अपना खाना बनाएगी और कैसे ये ग्रो करेगी। तो एक दो पत्ती छोड़ दे जिससे फोटोसिंथेसिस कर सके, अपना खाना बना सके। मैं इस गमले के नीचे ही ये कटिंग लगा रहा हूँ। आप इन कटिंग्स में ये नोड एरिया है इस कटिंग का, ये नोड एरिया है, ये नोड एरिया एक या दो नोड एरिया, एक या दो नोड एरिया मिट्टी में जाने चाहिए। ज़्यादा जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर एक से दो नोड एरिया, एक या दो नोड एरिया मिट्टी में जाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि इन नोड एरिया से रूट्स निकलेगी। ऐसे करके आप कोलियस की कटिंग को लगा सकते हो। और इस टाइम कोलियस की कटिंग लगाने का सबसे अच्छा मौसम है। गमले में होल करेंगे, होल करने के बाद कुछ व्यूवर्स ऐसी गलती करते हैं कि वो इस कटिंग से ही होल करते हैं, वो कटिंग से होल नहीं करें। इन कटिंग्स को अच्छी तरीके से प्रेस कर दें जिससे इनमें एयर बबल्स नहीं रहे और ये अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। अब कोलियस की कटिंग लगाने के बाद कोलियस की कटिंग एक दिन ये मुरझा जाएगी। मुरझाने के बाद ये ऐसी कटिंग हो जाएगी। मैंने ये कटिंग कल लगाई है तो ये कटिंग एकदम मुरझा गई, ऐसे मुरझा जाएगी, फिर ये अपने आप अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगी। मैंने एक ही प्लांट से कई पौधे बनाए हैं। कुछ दिन पहले मैंने कटिंग लगाई हुई थी,
इनकी ये रूट्स आ गई। ये 5 से 10 दिन पहले लगाई हुई थी कटिंग, तो इनके अब रूट्स आ गई। ये वाइट रूट्स, तो इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। जब ये कटिंग अच्छी तरीके से ग्रो हो जाए तो आप इसे बड़े गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। पहले कटिंग को ग्रो होने के बाद आप इसे 5 से 6 इंची गमले में ग्रो करें, फिर प्लांट की साइज के हिसाब से, प्लांट की साइज हो उस हिसाब से आप इसको गमले में लगा सकते हैं। अब ये मेरे प्लांट सारे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं और सो ब्यूटीफुल प्लांट है। इसको सर्दियों में ये बहुत अच्छी तरीके से कॉलेज के डिफरेंट कलर आते हैं, अलग अलग कलर की कटिंग लगा के आप एक बुशी सा प्लांट बना लें और एक ही गमले में अलग अलग तरीके की कटिंग लगा के अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय।